उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोपहर 1:30 बजे तक बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले नेता अशोक तंवर 1 घंटे बाद करीब 2:30 बजे कांग्रेस में शामिल हो गए। महेंद्रगढ़ रैली में राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिला दी। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अशोक तंवर ने 5 साल पहले कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन 5 साल बाद एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने की टाइमिंग की चर्चा पूरे हरियाणा में शुरू हो गई, क्योंकि दोपहर करीब 1:30 बजे अशोक तंवर बीजेपी के रणधीर पनिहार के लिए हिसार जिले की नलवा विधानसभा सीट पर प्रचार कर रहे थे। मंच पर उनके साथ कुलदीप बिश्नोई समेत बीजेपी के दूसरे बड़े नेता दिखाई दिए, लेकिन इसके केवल 1 ही घंटे बाद वो महेंद्रगढ़ पहुंच गए। वहां कांग्रेस की रैली चल रही थी, वहां वो मंच पर मौजूद राहुल गांधी से बातचीत करते दिखे। रैली के दौरान ही राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। आज उनकी घर वापसी हो रही है, राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं। यानी 1 ही घंटे में अशोक तंवर बीजेपी से कांग्रेस में पहुंच गए। अशोक तंवर ने 5 साल पहले कांग्रेस छोड़ी थी। 2019 में कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने अपना भारत मोर्चा नाम से पार्टी बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने टीएमसी और फिर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली थी, और फिर लोकसभा चुनाव से पहले अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो गए थे।